आपके यहाँ लोगों को संतोष है कि आप जो सामान देगी वो अच्छा ही होगा? समुका दीदी हूँ, उसी के से आई हूँ। आप कैश में पैसा लेती हो कि UPI डिजिटल ट्रांजेक्शन करती हो? अभी कैश नहीं चलता है, समो में नहीं चलता है, हमारे भी नहीं चलता है, सब कुछ फोन पे में चलता है सर। आप बढ़िया हिंदी बोलना कहाँ से सीख गई? 6 महीने मुझे सर पेनारेल अनंत महासमय के माध्यम से बिता दिए सर, घर नहीं भेजते थे, उधर ही सीखा है मुझे। मेरा नाम अनुराधा है, मैं ज्योतिर्मय स्वयं सहायता समूह से हूँ। अनुराधा गारू? हाँ सर। हाँ बताइए। मेरा समूह का नाम ज्योतिर्मयी है, मैं सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश से आई हूँ। मैं 8वीं जब पढ़ती तभी मेरे शादी हो गए था, मुझे क्या करा है पता नहीं चलता था। हम लोग का परिवार का स्थिति बहुत ही आर्थिक स्थिति में बहुत ही खराब था, क्योंकि मुझे ये नहीं जानते थे कैसे रहना है। उसी समय में मुझे मेरा एक मंच मिला है, मैं के आशा ज्योति जैसा मेरा समूह। मेरे समूह में हम उसी 10-10 रुपये बचत करके थोड़ा बहुत ऋण लेते थे। पहले मेरा 100 रुपये ऋण ली थी, उसी से मेरा परिवार का पहला रेशन धारण करके थोड़ा आगे बढ़ी, और उसके साथ साथ और थोड़ा ज्यादा बैंक लोन और हमारा RF मिलने के बाद उसी पैसे से मैं एक छोटा सा साड़ी का दुकान, मतलब हमारे घर में ही मैं साड़ी बेचने लगी बेंगलुरु से लेकर। वो साड़ी अच्छे तरह से सेल होता था मुझे, मैं वैसे ही मेरे गांव में और मैं जिस तरह रहती हूँ उधर मेरे समूह का दीदी लोग भी बहुत अच्छे से मुझे आगे जाने को प्रोत्साहित करते थे, और मेरे सर VP की तरफ से मुझे कई प्रकार का प्रशिक्षण मिला। मुझे दूसरे गांव में भी जिस तरह मैं आगे आ रही हूँ करके देख के, मेरा परिवार बढ़ रहा है करके देख के मुझे प्रशिक्षण दिया गया था। तब मैं हमारे राज्य में ही मैं काम करना शुरू की। उस दिन मेरा एक दिन का था 150 रुपया, और मैं उसके साथ ही मेरा कामकाज को भी बढ़ते ले चली। और मेरा 2 बेटी है, एक बेटी को मैं इंजीनियर पढ़ाई, दूसरी बेटी अपाहिज है, मेरे पति को आंख नहीं दिखता है अभी, फिर भी मैं हिम्मत तैयारी, मेरे समूह मेरे साथ में था। और आज मैं आपसे हिंदी में इस तरह बात कर रही हूँ ना, ये मेरा समूह और मेरा सेल्फ NRLM के प्रदर पर 6 महीने बैठकर हिंदी सीखी हूँ। अनुराधा जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? मैं 8वीं पढ़ी थी, अभी समूह के माध्यम से BCom करी हूँ सर। अच्छा, तो खुद भी पढ़ रही है, बेटियों को पढ़ा रही हो, साड़ी बेच रही हो सर। तो आप साड़ी खरीदती कहाँ से है? सर मैं बैंगलोर से खरीदती हूँ। बैंगलोर से? हाँ, हमको बैंगलोर नजदीक पड़ता है। तो कौन कौन सी वैरायटी ज्यादा चलती है? सर हमारे लिए अभी जो न्यू ट्रेंड रहता है, अभी हमारे लिए क्रश साड़ी से और बनारसी है, और नारायणपुरम में कॉटन का है, और अरे प्रकार का भी न्यू मॉडल है उसको लेकर क्वालिटी के। लेकिन आपके यहाँ लोगों को संतोष है कि आप जो सामान देगी वो अच्छा ही होगा? सर उनको पता है क्वालिटी से लेंगे, क्योंकि समूह का दीदी हूँ, उसी के से आई हूँ। अच्छा, कोई उधारी भी मांगते होंगे? हाँ देती हूँ सर। उधारी भी देती है? हाँ। और फिर पैसे मिल जाते हैं? नगद भी देते हैं, हमारे दीदी भी जब भी त्योहार आता है किसी प्रोग्राम रहे तो भी 1 या 2 महीने के लिए लेते हैं, फिर दे भी देते हैं। अच्छा अनुराधा जी, जब गांव में आपने काम शुरू किया होगा तो गांव वालों को भी जरा आश्चर्य होगा कि क्या कर रही है महिला, परिवार वालों को भी आश्चर्य हुआ होगा? घर से बाहर निकलती थी ना सर, तब मुझे एक अजीब सा देखते थे लोग, ये किधर जाती है किधर आते हैं करके। मैंने बोलती थी मेरे जैसे समूह को हम लोग बनाते थे, पहले कुछ था, अभी बहुत समूह बन गए, ग्राम संगठन भी बन गए। हम उसको देख देख के एक एक कदम आगे बढ़ते हुए लोगों को कैसा लग रहा है। अभी मैं प्रस्तुत में नेशनल रिसोर्स पर्सन के TOT तरफ पे भी काम कर रही हूँ सर। आपको आजीविका मिशन से क्या सहायता मिली? सर आजीविका मिशन से मुझे प्रशिक्षण ज्यादा मिला है, और मेरे परिवार के लिए सरकार से भी, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे दिव्यांग है ना उसको भी पेंशन मिला, मेरे पति को भी पेंशन मिल रहा है, और सरकार से भी मेरे इंदिरा आवास योजना का मिला है। हमारा सेल्फ आजीविका मिशन से बारे में अभी तक कम से कम 200 दिन का प्रशिक्षण ले चुके हूँ सर। अच्छा, आपको सरकार की और किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? मैं आयुष्मान योजना से मेरे पति का ट्रीटमेंट करा रही हूँ सर, क्योंकि उनका CKD का प्रॉब्लम अभी निकला है, और मेरा बड़ी बेटी को भी तबियत ठीक नहीं था, वो तो चल बसी, जो आसरा करके सोची थी वो मेरा आसरा नहीं बनी, जब मैं टूटने लगी तो समूह फिर से मेरे उठाए सर। अच्छा, आप ये SHG के साथ जुड़ी? हाँ सर। उसके पहले जीवन और SHG के साथ जुड़ने के बाद का जीवन, उसमें क्या बदलाव आप देखती हैं? पहले
रहने के लिए भी छोटा सा झोपड़ी। मेरे शादी में मैं सोचती थी मैं किधर आके पड़ गई, अनुराधा कौन है, मैं क्या करना है, कोई आए तो घर से बाहर जाना, ये नहीं तो क्यों आते हैं रात में क्यों रखते करके सोचती थी। आज मैं समूह में जुड़ने के बाद उसी बचत के पैसे से लोन लेके आज मेरा खुद का पक्का घर है के और इंदिरा आवास का घर है के सर। कितने लोगों को रोजगार दिया होगा आपने? सर मेरे साथ ही मेरे समूह के दीदी लोग को भी मैं रोजगार दी हूँ, वो लोग भी अपना अपना, मैं साड़ी करती हूँ करके वो भी साड़ी नहीं पहनते। एक दीदी अपना वनराम गोल्ड बेचती है, एक दी हमारा मिस्त्री का काम करते हैं उनके लिए लकड़ी भी लगाती है, अलग अलग दीदी अलग अलग काम करती है। जिस तरह हमारे दीदियों में जो भी क्षमता है उसको पहचान करके उसके लिए जो चाहिए उसके लिए हम लोग पूरा मदद हमारा संस्था से करके जिधर उनके लिए आजीविका मिलता है वो प्रशिक्षण के लिए मैं उनको भी साथ में जाती हूँ सर। अच्छा आप कैश में पैसा लेती हो कि UPI डिजिटल ट्रांजेक्शन करती हो? डिजिटल सर, फोन पे सर। कोड रखा है क्या किया है? फोन पे में लेती हूँ सर। हाँ। अभी कैश नहीं चलता है, समूह में नहीं चलता है, हमारे भी नहीं चलता है, सब कुछ फोन पे में चलता है सर। आप बढ़िया हिंदी बोलना कहाँ से सीख गई? 6 महीने मुझे सर पेनारेल अनंत महासमय के माध्यम से बिता दिए सर, घर नहीं बेचने दिए, उधर ही सीखा है मुझे। तो आप हर चीज में लंबा भाषण देती हैं? हाँ, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ सर। आपकी बेटी आपको सुनती है क्या? सर मेरा बेटी, बड़ी बेटी तो चल बसी, छोटी अपाहिज है। अनुराग जी आपने साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते निकल आते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपने समुद्र के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकती हैं और सरकार हर कदम पर आपके साथ है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रगति कीजिए।